इस वेले मोदी सरकार चार चफेरे फसी हुई है जी। बहुत बार पंजाबी च ये कहा जाता है कि भाई उन्हों डिगण की लोड़ नहीं, जो किसी बारे जरा बिल्कुल डिक्टेटोरियल होए जां उसके जड़े एक्शन इस किस्म के होन, जिस बारे कहा जाता है भी उन्हों डिगण की लोड़ नहीं, उन्हें अपने भार नाल ही डिग पैना। मोदी 2014 च आया, पहला दौर असी देखिया कि किवें कुछ चीज़ा सामने आई हैं कि भी ओवर एम्बिशन है, पर फिर भी ये लगता है कि भाई इन एक्सपीरियंसड कदे एम पी भी नहीं बनया, उतो चीफ मिनिस्टर तो उठ के आया और इदा ईगो बैलून भी बड़ा है। हालां इदा जिन्होंने भी प्रोफाइल देखा सी वह कहिंदे सी ये नारसिसिस्ट है, ये खराबी करेगा। लैंड दे उत्ते जिहड़ा किवें इंडिया फसया उहदे ट्रंप दे ट्रैप दे विच, और किवें फिर इन्होंने अपना जिहड़ी है वह गिदड़ वांग अखां लाल करके शेर नूं वंगारिया। चाइना ने ट्रेलर दिखाया इन्हां नूं डोकलाम दे विच 2017 दे विच, लेकिन इन्हां नूं फिर भी समझ नहीं आया, इन्होंने सिर भनाउणा सी। पेंगोंग सो लेक होए, डेपसोंग होए और गोगरा होए, हॉट स्प्रिंग्स होन, सारे पास्यों हजारां स्क्वेयर किलोमीटर जमीन गवाई, फिर तरलियां ते कदे रशिया दे तरले, उन्होंने मास्को सद लिया, चीन नूं भी ठंडा कीता। चाइना 11 राउंड गलबात दे होए, हुणे तरले कर रहे हैं जी गलबात करो साडे नाल। तुसी आप ही तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा सी कि भी ना कोई आया ना कोई गया सी, तो अपनी थां ते बैठे हैं। तुहाडे फौजी मुखी ने कहा सी, जिहड़ा स्टेट मिनिस्टर है कदे फौजी मुखी रहा, कि जी ये साडा ऑपरेशन सी, ये तो असी दिखाया। वह कहिंदा भी तुसी इंट्रूडर हो, तुसी एग्रेसर हो। इंटरनेशनली जिन्हों कहिंदे ने कि भी इन्हां दा जिहड़ा नक है वह थले रगड़िया गया, अमरीका दीआं नज़रां च भी। गलबात करांगे कि व्यूअर्स इस तरह लगता है कि भारत के तरलियां के बावजूद भी चीन अपनी जिहड़ी पोजीशन तो एक इंच भी पिछे हटन तो तैयार नहीं है। सो भारतीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अते फौजी मुखी निरवाने वालों लद्दाख के फौजी दौरे चों उन्हां दी फ्रस्ट्रेशन स्पष्ट जिहड़ी है झलकदी नज़र आ रही है। सो डिफेंस मिनिस्टर ने चीन की सरहद ते 50,000 होर भारतीय फौजी भेजन का जिहड़ा ऐलान किया है। सो व्यूअर्स की भारत चीन एक पूरी फुल फ्लैश जंग वाल वध रहे हैं। सो इस बारे आप विचार चर्चा कर जा रहे हैं। सो असी चाहवांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना, देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचार ने? देखो असी पहले सैगमेंट च भी डिस्कस किया है कि इस वेले मोदी सरकार चार चफेरे फसी हुई है जी। बहुत बार पंजाबी च ये कहा जाता है कि भाई उन्हों डिगण की लोड़ नहीं, जो किसी बारे जरा बिल्कुल डिक्टेटोरियल होए जां उसके जड़े एक्शन इस किस्म के होन, जिस बारे कहा जाता है भी उन्हों डिगण की लोड़ नहीं, उन्हें अपने भार नाल ही डिग पैना। हुण जाहिर है कि भी तुसी जदों किसी चीज़ के उत्ते कोई स्ट्रक्चर भी बिल्ट करते हो, तुसी इस गल का ख्याल रखते हो कि जिहड़ा उस दे उत्ते तुसी भार रखना है उस दे लई तुहाडे किन्नी क स्ट्रेंथ है, तुहाडे पिलर्स किन्ने क मजबूत ने जिन्हां ने उस भार नूं चुकना है। पर जे तुसी कमजोर थमलियां दे उत्ते वड्डा भार पाउंदे हो तो सब कुछ ही कलैप्स हो के थले डिग पैंदा। उन्होंने भावें जिहड़ी ट्रैजडी मियामी दे विच होई है, असीं देख रहे हैं कि किवें जिहड़ी बिल्डिंग का कलैप्स होया, किवें रबल चों अजे भी जिहड़ा पता नहीं किन्ने दबे हुए ने और किन्ने ने और निकल, और एक शो करता और जो हम रीज़न आ रहे हैं तो वह कहा जा रहा है कि जी क्योंकि इस बिल्डिंग का जो उन्होंने डिजाइन दिता सी अपरूवल लई उदों उन्हों फॉल्टी मनिया गया सी, पर फॉल्टी होने के बावजूद किने गो हैड किया किवें होया और उदा नतीजा ही है कि भाई ये इस किस्म की ट्रैजडी अमरीका की धरती से वापरी है। और क्योंकि अमरीका च खबर वीकेंड च भी चलदियां रही ने कि किस किस्म की तबाही हुई है। हुण जे एक इमारत फॉल्टी डिजाइन दे उत्ते खड़ी होए जिहदे कोल जिहड़ा वह भार नहीं चुक सकती, लेकिन उन्हों तुसी चुकाया होया तो जे वह कलैप्स हुंदी है तो जिहड़े लोग मुल्क रन करते ने हकूमतां रन करते ने उत्थे जे तुसी सिर्फ अपने ख्वाबां दी दुनिया च रहिंदे आ जां अपने पूर्वजां दीआं अपने एनसैस्टर्स दे गपौड़ां नूं आधार बना के प्राचीन भारत गौरव भारत
असी आ भी सी असी वह भी सी जिदा कोई वजूद नहीं है और तुसी अपनी औकात नू बिना देखे कि भाई तुहाडा हाल कि भी जिथे 40 to 45% लोग बिलो द पावर्टी लाइन ने हंगर इंडैक्स के दुनिया तुसी इथोपिया और सब सहारा मुल्कां तो थले हो ह्यूमन डिवेलपमेंट रिपोर्ट दे विच अपना रुतबा देखो तुसी कित्थे हो जिहड़ियां दो चार तुहाडियां स्ट्रेंथ सी जिहदे थले दुनिया समझदी सी भी चलो तुसी जमहूरीयत वल वध रहे हो उहदे च फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन की गल सी भारत का एक इमेज एक फ्री मुल्क के तौर पर हालां घट गिणतियां नूं जां दूजा सिखां नूं जां मुसलमानां नूं दलितां नूं कोई ये नहीं है भी ये अज हुण तां चलो बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए बहुतियां नूं नज़र आना शुरू होया डेमोक्रेसी के नाँ थले भी सैकुलरिज्म के नाँ थले भी फिर भी दुनिया नूं ये सौदा अपना जरूर वेचते सी और सक्सैसफुली वेचते रहे हुण जदों तो मोदी 2014 च आया पहला दौर असी देखिया कि किवें कुछ चीज़ा सामने आई हैं कि भी ओवर एम्बिशन है पर फिर भी ये लगता सी कि भाई इन एक्सपीरियंसड कदे एम पी भी नहीं बनया उतो चीफ मिनिस्टर तो उठ के आया और इदा ईगो बैलून भी बड़ा है हालां इदा जिन्हां ने भी प्रोफाइल देखिया सी वो कहंदे सी ये नार्सिसिस्ट है ये खराबी करेगा ये लेकिन 2019 तो बाद तां जे तुसी 2021 तक पहुँचते हैं देखो तो सैल्फ एविडेंट है वो गल बार बार नहीं दोहराते कि भाई इकोनमी भी कलैप्स स्ट्रक्चर भी कलैप्स किस किस्म के कानून लैके आए किसान जेड़े इन्हों की जड़ा वो जान रो रहे हैं और ये बावजूद इन्हों का कोई इंटरनेशनली इन का इमेज किमें उन्होंने थ्रैशिंग मिली है किमें बीटिंग मिली किमें सारे खेत्र के फॉरन पॉलिसी फेल इकोनॉमिक्स फेल सोशल हारमोनी फेल हुण इस सब दे चलदियां भी क्योंकि वो जिहड़ा फालसुड सी कि भाई असी बहुत रीजनल पावर ते ग्लोबल पावर और विश्व गुरु असी बन गए इधर ट्रंप जनाब आ गए अमरीकणा दा तां नो मैटर कोई वाइट हाउस किसे वेले कोई अपनी मर्जी वाला आ सकदा पर इन्हां दीआं इंस्टीट्यूशनस बहुत स्ट्रोंग ने एंटाई चाइना लाइन तो इन्होंने ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन तो भी पहला तो शुरू कर लिया उन्होंने देख लिया कि भाई फ्री इकोनमी असी तो पहला कम्यूनिज्म के ना के थले सोवियत यूनियन भन्नया लेकिन चाइना उन्हें जिमें उन्होंने जोड़ा मिस्टर डोंग सी प्रेजिडेंट पहला उन्होंने कहा जी तुम तो कम्यूनिस्ट कंट्री सी तुम फ्री इकोनमी और ये सारे किमें आ गए उन्हें कहा कि भी इट डजेंट मैटर कैट इज ऑफ वाइट कलर और ब्लैक कलर कैट शुड नो हाउ टू कैच द माइस कि भी बिल्ली नू चूहे फड़ने होने चाहिए ने वो बिल्ली काली है कि चिट्टी है यदा फर्क नहीं पैदा सो उन्होंने सक्सैसफुली टर्न किया अपनिया हालां उन्होंने वो हैजमानिक जड़ा उन्होंने सिस्टम है एको ही कम्यूनिस्ट पार्टी जेडे कम्यूनिस्ट हूँ जी उन्होंने पीपल लिबरेशन आर्मी है PLA वो कम्यूनिस्ट पार्टी की आउटफिट है कोई दूसरी आर्मी नहीं पर वो पुल भी बनाते हैं सड़क भी बनाते हैं भारतीय फौजिया वाग जड़े ने वो सारा दिन ब्रासो लैके जड़े ने वो बैल्ट चमकाने से थोड़ी रहते हैं बूट चमकाई जाते हैं ज बूट खड़काते हैं अड्डी ना अड्डी वो लोगों के दी आर्मी है हूँ इस दे चलदे अमरीकन चैक करना चाहते सी चैकमेट जिन्हों कहते हैं चाइना और समुद्रा चो साउथ चाइना सीज कर ही रहे लैंड दे उत्ते जड़ा किवें इंडिया फसया उदे ट्रंप दे ट्रैप दे विच और किवें फिर इन्होंने अपना जिहड़ी है वो गिदड़ वांग अखां लाल करके शेर नूं वंगारिया ते 2020 दे विच फरवरी च गल शुरू हुंदी है जून तक पहुँचते हैं फिर गल कर ली एक थां हालां चाइना ने ट्रेलर दिखाया इन्हां नूं डोकलाम दे विच 2017 दे विच लेकिन इन्हां नूं फिर भी समझ नहीं आया इन्होंने सिर भनाउणा सी नतीजे दे तौर ते वह ईस्टर्न लद्दाख का बॉर्डर पेंगोंग सो लेक होए डेपसोंग होए और गोगरा होए हॉट स्प्रिंग्स होन सारे पास्यों हजारां स्क्वेयर किलोमीटर जमीन गवाई फिर तरलियां ते कदे रशिया दे तरले उन्होंने मास्को साद लिया चीन नूं भी ठंडा किया पर चाइना ने अदर दैन के पेंगोंग सो लेक जिथे इन्होंने तीन फिंगरस पिछे हट के कंप्रोमाइज किया बाकी चारों पांचों थावां दे उत्ते चाइना 11 राउंड गलबात दे होए हुण तरले कर रहे हैं जी गलबात करो साढ़े नाल वो कहंदे ने जी गलबात कर दी है तो तुसीं आप ही तो तुहाडा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा सी कि भी ना कोई आया ना कोई गया सी तो अपनी थां ते बैठे हैं तुहाडे फौजी मुखी ने कहा सी जिहड़ा स्टेट मिनिस्टर है कदे फौजी मुखी रहा कि जी ये साडा ऑपरेशन सी ये तो असी
दिखाया वो कहिंदा वी तुसीं इंट्रूडर हो तुसीं एग्रेसर हो हुण इन्हां नूं विदन कंट्री तो यह जिहड़ा भी कोई कहिंदा उहदे ते ट्रेटर दा ला दिंदे ने लेबर उहनूं खड़ा नहीं होण दिंदे इंटरनेशनली जिहनूं कहिंदे ने कि भी इन्हां दा जिहड़ा नक है वह थले रगड़िया गया अमरीका दीआं नज़रां च भी क्योंकि अमेरिका तो इन्हू लंबी दौड़ का घोड़ा समझता सी ये तो टट्टू भी नहीं निकलिया दौड़ना की है यार वह समझते पता नहीं ये अरबी घोड़े ने हुण उत्थे भी जिहड़ा अपना लूज फेस होए विद इन कंट्री भी जो चल रहा है जो असी बैन करता टिकटॉक बैन करता फलाना करता वापस हुण कोविड के चलद हर चीज़ उत्थों आ रही है दुगना जिहड़ा उत्थों मंगवा इन्हां दे पल्ले ही कुछ नहीं है स्वैमान भारत मेड इन इंडिया इत्थे ट्रंप ने कहा कि भी अमेरिका फस्ट उन्होंने भी नारा देता जी इंडिया फस्ट उहदे चों भी की निकलना सी हुण इस सारे दे चलदे आ 50,000 फौज लिजा के उत्थे बिठाई हुई है सर्दियां किवें उन्होंने कढ़ियां की हाल है किन्ने मरे क्योंकि इन्नर तां कदे वो आंदा नहीं है डेटा लेकिन हुण ये चाइना नूं सी कि भाई सानूं थोड़ा जिहा फेस दिओ गलबात तां करो जां उन्हें कहा जी तुसी दसो गलबात कदे करनी है असीं तां अपनी थां ते बैठे हैं जी नाल दी नाल उन्होंने चाइना ने क्योंकि 100 साल हो जाने ने कम्यूनिस्ट पार्टी की फाउंडिंग जिहड़ी कम्यूनिस्ट पार्टी की शुरुआत ज़ाहर है 1917 के रशियन इनकलाब तो बाद उहदी इंस्पीरेशन च 1920 होई पर इन्हें कई मोड़ कट्टे ने और मौजे तो जिहदे नाल चोइन लाई भी सी उहनूं क्रैडिट जांदा है कि किवें उन्हें साइमल्टेनियसली कईआं दे नाल उह लड़िया चियांग काई शेक जिहड़ा इन्हां दा सी लोकल हकूमत उहदे नाल भी और जापान दे नाल भी रशिया दे नाल भी मंचूरिया प्रोविंस दे विच किवें उहनूं कॉलोनाइज कीता होया सी और 100 साल बाद 1920 जदों ये फाउंड हुंदी है अज चाइना कित्थे खड़ा है स्पेस दे विच कित्थे खड़ा है लैंड ते कित्थे खड़ा है इकोनमी च कित्थे खड़ा है $15 trillion दी रॉबस्ट इकोनमी अमेरिका तो बाद और ये अमरीका का भी मानना है कि आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस और दूसरा पता नहीं उन्होंने कोल की है ये तो कोई दो रावान नहीं ने भारत में तो वह गिणते ही नहीं है भी ये कोई कंपीटिशन है हुण इस सारे दे चलदे हैं हुण इन्हां नूं लगता है कि भी फौजी जिहड़े बिठाए हुए ने उत्थे 50,000 लिजा के कोई ठंड दे विच कोई जम्मिया कोई दूजा उन्हां नूं भी कोई हौसला देईए कोई चीन नूं भी अखां दिखाईए और राजनाथ सिंह फौजी मुखी नरवाणे दे नाल उत्थे पहुँच गया 3 दिन का दौरा लद्दाख का और तुसी देखोगे भी उही तुसी इन्हां दे दी देखो किरत घणता भी और डबल स्टैंडर्ड लफज भी इन्हां नूं देना ऑनर देना हुंदा है एक पासे 26 जनवरी नूं दिल्ली च जयकारे लाण बोले सो निहाल जां निशान साहब लाण दे उत्ते अज भी सी जी कि गुरजोत सिंह नौजवान जिन्हें झंडा लाया उन्हूं फड़ लिया जी 1 लख दा इनाम रखे सी और उस दे उत्ते इन्हां ने किवें जयकारे और बोले सो निहाल नूं भी अतवाद दस्सिया हुण राजनाथ सिंह उत्ते जा के सिख रेजिमेंट यकीनी बनाया इन्हां ने कि जिहड़ा PR च जाणा है सिख जवान खड़े ने और वो जकारे ला रहे ने ते भी बाहां खड़ियां करके सत श्री अकाल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह कर रहा है राजनाथ सिंह ये दसण दे लई कि नहीं नहीं जी सिख साडे नाल टुटे नहीं है वो तो अपने गुरु नूं याद करके करदे ने वो तो उन्हां दा एक सिख रेजिमेंट्स का एक हिस्सा है उन्हां दी ट्रेनिंग उन्हां दी स्ट्रेंथ उत्थों निकलती है पर इस सब दे चलदे आ जिहड़ी इन्हां दी फ्रस्ट्रेशन है राजनाथ सिंह उत्थे जा के कहिंदे इंडियन आर्म्ड फोर्सिस केपेबल ऑफ giving befitting reply to every challenge Rajnath in Ladakh aur unne kaha ji assi India wants to resolve disputes with neighboring countries through dialogue but asserted that nation's safety and security will not be compromised at any cost oh pehla apni zameen wapas le lo jehdi hune hi pichle saal hi tusi gawai hai unna de kol china tode naal gal baat karan nu taiyar nahi hai aur eh sare hi jehdi hai ohde 3 din da daura ohde ch is qisam diyan hi jabliyan mariyan hoyian ne उन्हें कहा जी असी साड़ियाँ आर्म्ड फोर्सेस दे डिस्प्लेड करेज डेडिकेशन अवर आर्मी हैज़ द कैपेबिलिटी टू गिव ए बेफिटिंग रिप्लाई टू एवरी चैलेंज पर इस दे नाल नाल ए भी खबर हालां ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 50,000 फौज दे विच उन्होंने 50,000 होर लानी है कि उन्हों ही बाई मिसटेक उन्हें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 50,000 नूं कहा जी भी असी डीएसकेलेट नहीं करांगे पर बहुत सारे टॉक शोज दे विच डिस्कस होया है कि भारत जिहड़ा 50,000 फौज होर भेज रहे और ये जदों असी सिख रेजिमेंट के हवाले नाल भी देख रहे हैं मैनू टैक्निकल टीम ने जरूर दिखाई होएगी पिक्चर उस दे उत्ते जिथे कि सिख जवान जड़े ने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉਹ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਔਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰਸ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਸਲ ਆਫ ਓਡੀਸ਼ਾ ਕੋਸਟ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਲ ਹੈਜ਼ ਏ ਰੇਂਜ ਆਫ 1000 to 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਡੈਪਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਸਰਫੇਸ ਮਿਸਲ ਹੈ ਦੱਸ ਉਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਟੈਕਸਸ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦੀ ਏਜੰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੋਇੰਗ ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੋਲਡ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਟ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਜਨਰਲੀ ਸਟੇਬਲ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਥਰੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੋ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ ਅਬਾਊਟ ਏ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੈਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟਿਡ ਐਟ ਲੀਸਟ 50,000 ਟਰੂਪਸ ਟੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵਿਦ ਚਾਈਨਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੈਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਟੋਲਡ ਏ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਟ ਚਾਈਨਾ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਸ ਜਨਰਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦਾ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਆਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਇਸ਼ੂ ਥਰੂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਸੱਚ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਡੀਡਸ ਆਫ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਗਵਰਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਐਂਡ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਡਕਟਿਵ ਟੂ ਡੀ ਐਸਕੇਲੇਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟੂ ਐਨਹਾਂਸਿੰਗ ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰੱਸਟ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਦਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਟੱਡਦਾ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੀ 50,000 ਹੋਰ ਟਰੂਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੀਏ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਾ ਸਿਨੇਰੀਓ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਡੈਪਸੋਂਗ ਔਰ ਗੋਗਰਾ ਔਰ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਔਰ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ 50,000 ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਿਲ ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮੂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਲਾਕੋਟ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸੌਖਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੱਤਰੀ ਖਾਧੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਪੋਸਚਰਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਵਾਰ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਪਿਓਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ